आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस माइक से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये माइक मेरे यहाँ कॉलर पर लगा है, कॉलर माइक है दोस्तों। लगभग इसकी कीमत मैंने इसे 600 रुपए में खरीदा दोस्तों, और ये है बोया M1 यानी बोया माइक। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि एक ईयरफोन में सही आवाज आती है या फिर बोया माइक में सही आवाज आती है, आखिरकार इन दोनों में से कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों एक हाथ में मेरे एयरफोन जो साधारण लगभग 80 से लेकर 100 रुपए तक का आपको मिल जाएगी कहीं से भी, और ये बोया का माइक बोया M1। तो दोस्तों इन दोनों में आप मैं दोस्तों अंतर बताने वाला हूं कि आखिरकार इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में दोस्तों अच्छी आवाज किस में आती है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और वे माइक खरीद लेते हैं और बाद में कई तरह की परेशानी आती है। वे लोग यही कहते हैं, यार हमारी आवाज में कोई अंतर नहीं आया, हमने माइक खरीद लिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों आज हम दोनों का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आखिरकार किस में सही आवाज आती है। तो दोस्तों अब तक जो शुरू से आप आवाज सुन रहे थे वो था एक बोया माइक, जो कि कॉलर माइक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ कॉलर पर लगा है, और ये बोया माइक है। जो आवाज सुन रहे हैं वह इस बोया M1 माइक की आवाज आ रही है। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूं कि इस ईयरफोन की आवाज कैसे आती है, और आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि इन दोनों की आवाज में से आपको कितना अंतर लगा या फिर कुछ फर्क लगा या फिर नहीं लगा, जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। ये दोस्तों मैंने एक दोस्त के कहने पर ये वीडियो बना रहा हूं, उसके द्वारा कहा गया कि मेरे पास एयरफोन है या फिर मैं अपनी एयरफोन का यूज करूं, क्योंकि दोस्तों उसे मोबाइल के पास अपने वीडियो बनाने होते हैं, उसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आज हम बहुत ही एकदम अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना, और वीडियो तो पसंद आएगा ही जरूर, आ जाए तो शेयर जरूर कर देना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने अपना वो बोया माइक बंद कर दिया है, और अभी मैं जिस माइक में बोल रहा हूं दोस्तों वो है यह साधारण एयरफोन है, जो कि आप नॉर्मली किसी मूवीज को या किसी सॉन्ग को सुनने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली मैं इसमें बोल रहा हूं, और आपको क्या सच में आवाज चेंजिंग लग रही है या फिर नहीं लग रही है, हमें जरूर कमेंट्स करके जरूर बता देना, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूं ये सच में, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम बोया माइक लें या फिर अपनी एयरफोन से काम चलाएं। तो आज मैं पूरी बात करने वाला हूं कि आखिरकार बोया माइक का यूज क्यों करते हैं और उसके बहुत बड़े बड़े लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। सच में सबसे बड़ी जानकारी देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा शुरू में जो मैं बोला वह इस बोया माइक में, फिलहाल ये मेरे कॉलर पर लगा जरूर है लेकिन मैंने ये अभी बंद कर दिया है, अभी मैं इसमें बोल रहा हूं इस कान की एयरफोन में। आपको क्या आवाज चेंजिंग लग रही है या फिर सेम टू सेम आवाज लग रही है, हमें जरूर कमेंट्स करके बताना। चलो हम वापस यह बोया का माइक चालू कर लेते हैं। अब दोस्तों वापस मैंने अपना बोया M1 माइक लगा लिया है, शायद आपको आवाज चेंजिंग लग रही होगी या नहीं लग रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट्स करके जरूर बता देना। अभी ये बोया माइक चालू है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने कैमरे के पास बैठकर वीडियो बनाते हो, एकदम पास जैसे मैं बैठा हूं, तो आपको बोया माइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ज्यादा रुपए हैं भाई, या फिर आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, उससे पेमेंट अच्छा मिल रहा है, तो आप खरीद लीजिए। बल्कि बोया माइक से भी और भी अच्छे माइक आते हैं, उन्हें भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पेमेंट आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर पेमेंट नहीं आ है तो आपको खर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इस बोया माइक की आवाज में और इस एयरफोन की आवाज में, क्योंकि सेम टू सेम आवाज लगती है। अब दोस्तों मैंने ये क्यों कहा कि अगर मोबाइल के पास में बैठकर वीडियो बनाते हैं तो इससे ही काम चला लो, इस साधारण एयरफोन से, क्योंकि इसे लगाने से दोस्तों ज्यादा दूर जाकर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक टीचर हो या फिर ऐसे वीडियो
इमेज बनाते हो जो कि कैमरे से थोड़ा दूर होकर वीडियो बनाना पड़ता है, लगभग 2-3 मीटर दूर होकर वीडियो बनाना पड़ता है, या फिर किसी बोर्ड पर पढ़ाते वक्त कैमरे से दूर होकर पढ़ाते हैं, तो आप बोया माइक लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कैमरे से दूर होकर पढ़ाते हो तो बोया माइक बहुत ही जरूरी रहता है। बस इसकी सबसे बड़ी कमी एक ही है कि इस बोया M1 माइक की दोस्तों जो डोरी होती है ना वह बहुत लंबी होती है और कभी कभी आपस में इस तरीके से एकदम दोस्तों ऐसे हो जाती है, लगभग मुझे तो सुलझाने में उसे 5 मिनट लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके पास भी बोया M1 माइक है और आप भी हर डेली या फिर हर 2 दिन बाद आप उसे सुलझाने में लगभग 5 मिनट बर्बाद कर देते हैं? तो जरूर हमें कमेंट्स करके बताना। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं बोया माइक में सिर्फ एक ही कमी है कि इसकी डोरी ऐसे दोस्तों उलझ जाती है, बस और कोई कमी नहीं है। लेकिन जब जब मैं दूर होकर वीडियो बनाता हूं तो मुझे ये बहुत ही जरूरी रहता है कि वही साउंड आना चाहिए जो कैमरे के पास होकर आता है साउंड। और आप कितने भी दूर चले जाओ, जितनी लंबी बोया M1 की जो डोरी है दोस्तों, डोरी यानी कि ये डोरी दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी भी दोस्तों इस डोरी को आप देखेंगे तो अभी मैंने इस सुलझाई नहीं है, ऐसे दोस्तों इस प्रकार से हो जाती है, आपको दिख रहा होगा बोया M1 की डोरी, ये इसी माइक की डोरी है, क्योंकि इस माइक की डोरी बहुत लंबी होती है दोस्तों, बस उसी का ध्यान रखना पड़ता है इस बोया M1 माइक में कि इसकी डोरी आपस में उलझ ना जाए, उसे सुलझाने में टाइम लगता है। लेकिन यह बहुत लाभकारी भी रहती है, यानी इससे लाभ भी बहुत है, जैसे आप दूर होकर वीडियो बना रहे हो और इसमें थोड़ा साउंड आपका थोड़ा मोटापा आता है, यानी कि आपका साउंड थोड़ा सा दोस्तों फर्क आ जाता है, जैसे कि आपकी आवाज मोबाइल के द्वारा जो आती है वह थोड़ी सी पिचकी हुई आती है, यानी कि थोड़ी सी बारीक हो जाती है आपकी आवाज। लेकिन जब आप अपना बोया M1 माइक यूज करते हो या फिर एक साधारण एयरफोन भी यूज करते हो तो आपकी आवाज थोड़ी भारी भारी सी हो जाती है, जो कि लोगों को सुनने में अच्छी लगती है। और जैसा कि शायद मेरी आवाज इतनी भारी नहीं लग रही होगी, अब ये मुझे नहीं पता, कमेंट्स करके जरूर बता देना कि कैसी आवाज लग रही है। लेकिन दोस्तों यह जानकारी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना लोग, और जो कि अपना यूट्यूब चैनल नया नया बनाया है और भी लेने के ही सोचते हैं कि हम एयरफोन लें या फिर बोया M1 माइक ले लें। दोस्तों इस बारे में सोच विचार करके वे लोग यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं और यह पता लगाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं या किसी यूट्यूबर से बात करते हैं कि मैं कौन सा माइक लूं। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको बोया M1 माइक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैंने एयरफोन लगाकर भी आपको अपना साउंड सुना दिया और एक बोया M1 माइक लगाकर भी अपना साउंड सुना दिया, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है ये मुझे नहीं पता, आपको सुनाई दिया होगा, आप जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बता देना। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप YouTube चैनल की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्तों सबसे बड़ी सावधानी रखनी है कि जैसे आप YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप दोस्तों रुपए खर्च ना करें YouTube के चक्कर में, क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक दोस्त है जिसने दोस्तों लाखों रुपए खर्च कर दिए, यानी लगभग 1,25,000 रुपए का सेटअप कर दिया उसने, YouTube के बारे में कुछ जानकारी नहीं, बस इतनी जानकारी है कि कैसे चैनल बनाया जाता है और मोनेटाइजेशन कैसे किया जाता है और वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, इतनी सी जानकारी थी। उसने लगभग 1,25,000 रुपए खर्च कर दिए, लैपटॉप लिया, माइक लिया अच्छा वाला, दोस्तों एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया, सब कुछ ले लिया, कंप्लीट करके बस चालू कर दी और सोचा कि भाई बस यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया और मैं 3 महीने 6 महीने में या फिर 3 महीने में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। दोस्तों क्वालिटी भी देनी पड़ती है बहुत से लोगों को, जैसी दोस्तों जैसे कि कोई कॉमेडियन चैनल है तो सोच के चलिए कि कॉमेडियन चैनल्स कितने खुल चुके हैं यूट्यूब पर, ऐसे ऐसे कॉमेडियंस आ चुके हैं दोस्तों जो कि हाई क्वालिटी कैमरे यूज कर रहे हैं और दोस्तों एक से बढ़कर एक कॉमेडी ला रहे हैं, तब जाकर उनके वीडियोज मिलियन में पहुंच पाते हैं। और कोई छोटा मोटा यूट्यूबर्स जो कि मोबाइल से शूट करके और घर ही एडिटिंग करके वह चाहे कि उसका वीडियो वायरल हो जाए, बाई चांस दोस्तों चांस है कि उसका वीडियो
वायरल हो जाए, वरना दोस्तों आज के जमाने में कोई भी चांस नहीं है कि एक नॉर्मल क्वालिटी वाला वीडियो वायरल हो जाए, वो भी कॉमेडी वाला। हाँ, अगर उस वीडियो में दम होगी, सबसे हटके वीडियो होगा तो वायरल हो जाएगा, लेकिन उन सब के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं अपने दोस्त की बात कर रहा था, जैसा कि मेरे दोस्त ने 1,25,000 रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन दोस्तों जब वह इस यूट्यूबर लाइन में आया तो तब पता चला उसे कि यार इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा है, वीडियो वायरल होने के कोई चांस नहीं, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही सबर रखना पड़ता है, सबर का फल मीठा होता है, यह बात तो सुनी होगी ना। उसके द्वारा इतना बड़ा सेटअप करने के बावजूद भी दोस्तों वह लगभग 6 महीने लगातार कार्य किया उसने, और आखिरकार उसने फिर यूट्यूब छोड़ दिया, क्योंकि 6 महीने तक उसके जो भी मेहनत की गई उसके द्वारा वह बेकार गई। उसके द्वारा जो वीडियो बनाए गए उसने मात्र अपने दोस्तों के लिए फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह शेयर किया, लेकिन कहीं से भी व्यूज नहीं आ रहे थे। तो उसके दोस्त थे वे भी कह रहे थे क्या बकवास कॉमेडी करता है, इससे अच्छी तो और भी कई यूट्यूबर्स हैं वे करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है ना, हर किसी के दोस्त एक जैसे नहीं होते, और वे अपने दोस्त में सबसे पहले कमियां निकालते हैं, बहुत सारी कमियां निकालते हैं, इतनी कमियां निकाल देते हैं कि भाई उसे कमियों के बोझ से लाद देते हैं। तो वैसा ही कुछ उसके साथ हुआ, और उसके दोस्तों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, तेरी कॉमेडी में बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों अब सोच के बताइए कि उसने इतने लगभग 1,25,000 रुपए खर्चा कर दिया, नॉर्मल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदे तो लगभग 25,000 से तो नीचे आने से रहा, तो 25,000 हो गए, और दोस्तों बस एक कैमरा भी ले लो छोटा मोटा, या फिर मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो मोबाइल भी लगभग, अगर आप शूटिंग के लिए मोबाइल ले रहे हैं तो 15-20,000 रुपए से नीचे तो लेना बेकार है दोस्तों, लगभग 20,000 की मोबाइल होगी तभी उसमें कैमरा हाई क्वालिटी HD आता है और उसकी क्वालिटी सही रहती है। तो सोच के चलिए 20,000 वो हो गए, 30 वो हो गए, तो 50 तो ये दो आइटम की ही हो गई। अब उसमें माइक लिया बहुत कुछ, और फिर कहीं भी शूटिंग करने जाओ उसमें भी खर्चा पानी बहुत सारा सिस्टम है दोस्तों, सॉफ्टवेयर भी लिया लगभग 10,000 रुपए का पड़ा, तो 60-70,000 रुपए तो वैसे ही हो गए दोस्तों। इस प्रकार से उसने टोटल 1,25,000 रुपए खर्चा कर दिया बिना किसी टारगेट के। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे यूट्यूबर फ्लॉप हो जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारा रुपए खर्च कर देते हैं, और ऐसे यूट्यूबर सक्सेस हो जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में उतना ही रुपए खर्च करते हैं जितनी जरूरत है, उतने ही रुपए खर्च करते हैं जितने रुपए में उनका वीडियो तैयार हो जाए, कम से कम रुपए में उनका वीडियो तैयार होकर अपलोड हो जाए। ऐसे यूट्यूबर्स ही ज्यादातर सक्सेस होते हैं, और मैंने अक्सर उनकी कहानियां सुनी नहीं है दोस्तों, मैं देखता आया हूं लगभग 2-3 साल से। मैंने कई ऐसे यूट्यूबर्स देखे जिनके 1,000 सब्सक्राइबर थे और वे मोबाइल से ही शूट कर रहे थे, लगातार वे मेहनत करते गए, अचानक उनके आज दोस्तों 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 6 लाख सब्सक्राइबर और किसी के 1 मिलियन तक पहुंच गए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ईयरफोन के अलावा, इस माइक के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जानने को मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से, जो कि शायद हर किसी के द्वारा नहीं दी जाती। दोस्तों मैं अपने जीवन की जो भी YouTube के साथ, दोस्तों मेरा जो प्रैक्टिकल है YouTube में जिस प्रकार से कार्य कर रहा हूं दोस्तों, उससे जो मुझे प्रैक्टिस हुई है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, उसे मैं पूरा आपको बताना चाहता हूं और लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हो तो शेयर जरूर कर देना, और एक लाइक तो कर दिया करो, एक कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।